क्यों इसे तुम उतार दिए हो बालक? तुम लोग क्या हुआ? हेलो, कहाँ नीचे बैठो बेटा, बोलो नीचे क्यों बैठे हैं? हाँ पटा के देंगे, इतना जगह नहीं है। कौन कह रहा जगह नहीं है जी? क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम होती का लिखने में? पहले कहाँ पढ़ते थे आप? हाँ दिस इज द क्वालिटी ऑफ सरकारी, जानते हैं सरकारी में पढ़ने वालों बच्चों की यही आदत। हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप सीट का व्यवस्था काहे नहीं कर रहे हैं। देखिए बच्चों को ये आदत हो जाती है इसे बैठ के लिखने की, सीट पर लिख ही नहीं पाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब सीट का व्यवस्था तो कम से कम छोटे बच्चों के लिए तो कर दिया जाए, बड़े तो बैठते ही हैं, सीट का व्यवस्था करें, काफी हेल्प मिलता है उनको। और भारत इतना भी गरीब नहीं कि कम से कम अपने बच्चों को सीट प्रोवाइड ना कर सके। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ रखिए, हम बता रहे तरीका आपको, यहाँ रखिए आप, इसको बता बेटा, हेल्प करो, जो बच्चे नहीं जान पाते उनका हेल्प करिए आप, ऐसे करके ऐसे करके लिखें। हाँ तो जिस तरीके से आप हर एक चीज से बायकॉट कर रहे हैं, तो आवाज उठा रहे हैं, तो आप शिक्षा के लिए भी आवाज उठाएं। ये हमारी पहली आवाज है कि कम से कम ये सरकार से गुजारिश है इस पर ध्यान दिया जाए और गवर्नमेंट स्कूलों में सीट की व्यवस्था जरूर किया जाए। बड़ा अटपटा लगता है, ऐसा लगता है भिखारी टाइप, समझ रहे ना। दिल्ली में देखिए, यूपी का भाई साहब राज्य है, दिल्ली में देखिए कितना बेहतरीन केजरीवाल ने कर दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा यूपी भी इस तरीके से विकसित हो, विकास हो, कि धर्म को थोड़ा पीछे रख के विकास की और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए तो योगी जी काफी बेहतर होगा। चलिए मैं जागरूक सर फ्रॉम यूपी।